हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ अंबिका सिंह। आप देख रहे हैं लहरे। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है एक ऐसी बच्ची जो आपके नाक के नीचे से आपका एकदम हालत खराब कर देगी अपने डांस से, जो झलक दिखला जब हमें नजर आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं गुंजन से। हेलो गुंजन, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन। सो गुंजन, कितनी एक्साइटेड हैं आप और किसको किसको परेशान करने वाली हैं आप? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। परेशान तो मैं सबको करने वाली हूँ। सबसे ज्यादा मैं किसको करने वाली हूँ आपको तो पता ही है। समझ में आ गया? हाँ, सब समझ तो आ गया। सो क्या कहना चाहेंगे आपके गुरु के बारे में, आपके कोरियोग्राफर के बारे में? बोल। क्या बोला? क्या कहना चाहेंगे आप? आपके साथ मतलब आपके कोरियोग्राफर आपको परेशान करते हैं या आप आपके कोरियोग्राफर को परेशान करते हो? मतलब दोनों परेशान करते खुद को। हाँ। मतलब ये मुझे परेशान करते हैं, मैं उनको परेशान करती हूँ, ये अकेले नहीं रहता है। उसके बाद वो भी घुस के आ जाता है, हम तीनों परेशान करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आपके स्टूडेंट के बारे में, कितनी नटखट हैं या फिर आपको वो जो आप बोलते हैं आपके आराम से आपकी बातें मान लेती हैं? नहीं नहीं, आराम से तो नहीं मानती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, उसको बहुत ही कंट्रोल करके रखना पड़ता है। ये खुले चूहे जैसे इधर उधर घूमती रहती है, प्रैक्टिस बहुत ही कम करती है। 6 घंटे की प्रैक्टिस में से 5 घंटे से उसका मस्ती चालू रहेगा और 1 घंटे उससे प्रैक्टिस कर दी वो फिक्स रहता है। मैं और तेजस दोनों मिलके इसको संभालते हैं, बट हाँ स्टेज पे उतनी आग लगाती है, उतनी ज़्यादा फाड़ती है ये। सर, तेजस भैया नहीं, तेजस भैया अभी चूहे की तरह घूमते रहते हैं। कभी कभी बोलते हैं क्या कि मैं वो ज़्यादा हूँ, कभी आप बोल तो तेजस क्या है, तेजस तो वो वही कोई घूमते रहता है। दोनों बट ये नंबर वन पे, ये रैंक वन पे। यस, आई एम नंबर वन, आई एम छेड़खानी मस्ती में भी और डांस में भी। सो गुंजन, आपके फेवरेट जज कौन है? मेरे फेवरेट जज तो तीनों हैं, बट सबसे ज्यादा माधुरी मैम है। सो अगर आपको चांस मिले माधुरी मैम के साथ किसी गाने पर परफॉर्म करने का, तो आप किस गाने पे परफॉर्म करेंगे? माधुरी मैम के गाने में। तो कौन सा गाना, कुछ तो सोचा होगा आपने? एक दो तीन नहीं, वो चने के खेत में। तो क्या आपको चने के खेत का वो एक स्टेप आप करके दिखाएंगे हमें? लेट्स गो गुंजन, गुंजन आपने गुंजन को पूछा ना, गुंजन आपको करना ना माधुरी मैम का वो स्टेप, तो आप करके दिखा। 5, 6, 7, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो जैसे कि गुंजन, शो में और भी कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं। सो आप तो अभी तो एक एपिसोड आप लोग शूट कर चुके हो, सो आप मतलब आपको सबसे अच्छा कौन लगा सारे कंटेस्टेंट्स में से? ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक ही है मेरे पास, मुझे सारे अच्छे लगे। और आपके गुरुजी के बारे में? वो भी है साथ में। सो गुंजन, आप मतलब ये जो आप डांस करते हो, ये आपके अंदर आता कहाँ से कि हाँ मुझे ऐसा ही डांस करना है और मुझे ऐसे ही अपने डांस से सबको हिला कर रखना है? छोटी से कर रही हूँ, और जब मैं नहीं 6 ईयर्स कर रही हूँ मैम, आपसे मिली थी 4 ईयर्स से कर रही थी। 6 जब मुझे मिली थी तब 6 ईयर्स की थी। वही तो, अरे मैं वो बोल दिया, अरे वही तो 4 ईयर्स से मैं कर रही हूँ। मैं जब 4 ईयर्स की थी, मतलब 2 साल से कर रही हूँ। और जब मैं डांस दीवाने में आई तब मैं 5 ईयर्स की नहीं 6 ईयर्स की थी, 6 ईयर्स की थी। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते गए, उसके बाद साथ में कोरियोग्राफर्स भी आने लग गए। उसके बाद सबसे पहले आए हमारे गुरु जी मतलब। और बट मैं जब मतलब अपने गुवाहाटी में थी और मैं जब 5 ईयर्स की थी तब सागर सर मुझे मिले थे, तब तक टकलू थे टकलू। हाँ गाइज, एक्चुअली मतलब ऑन स्क्रीन आने के बाद गुंजन को मैं एक गुवाहाटी में जब मैं कंपटीशन जज करने गया था तभी मैंने गुंजन को जज भी किया था, तभी हम लोग मिले नहीं थे वैसे। फिर बाद में जब कलर्स का एक शो था डांस दीवाने, तभी हम लोग उस पर साथ में आए, तब मुझे गुंजन की मम्मी ने बोला कि सर आपने इसको पहले जज किया? मैंने बोला कभी, कहाँ? तो आप गुवाहाटी में आए थे तब ये 4 या 5 साल की थी, फिर जब 6 साल की थी तो डांस दीवाने, और अब 7 साल में ये एक आर्टिस्ट कंटेस्टेंट एक आर्टिस्ट बन गई और झलक दिखला जैसे बड़े शो में आ रही है। अब इसका ग्रोथ देख रहे हो। सोर्सेस से हमें ये भी पता चला है कि जब आपका ये पहला परफॉर्मेंस हुआ उसके बाद आपको जजेस ने आपकी काफ़ी तारीफ की, तो उस वक्त आप कैसा फील कर रहे थे गुंजन? मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा था। प्राउड फील? अरे
प्राउड फ्लिप हाँ बोल बोल ओवर हो गया है सॉरी सॉरी वो प्राउड फील हो रहा है मुझे मेरे मम्मी पापा को भी बस सो अभी आप क्या चाहते हो आप ट्रॉफी घर लेके जाओगे फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं अभी वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है वो आपकी डिपेंडेंट है आप जितना हमको प्यार दोगे सपोर्ट दोगे जितना हमको क्या बोलते हैं उसको प्यार सपोर्ट वोट्स हाँ वोट्स दोगे उतने ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और ट्रॉफी लेके जा सकते हैं सो थैंक यू सो मच कुंजन एंड ऑल द बेस्ट और ऐसे ही आप डांस करते रहिए लेकिन हम जाते जाते हम आपका वो आपका जो स्टेप है ना आपका हुकअप स्टेप हम वो भी देखना चाहेंगे प्लीज़ हम बहुत एक्साइटेड आपका वो स्टेप देखने के लिए ओहो कमॉन गुंजन गुंजन कमॉन कमॉन गुंजन गुंजन ये अच्छी बात है चलो जल्दी से करके दिखाओ आपका स्टेप 3 2 go 1 सो थैंक यू सो मच गुंजन एंड ऑल द बेस्ट कैमरामैन विनोद के साथ अंबिका सिंह लहरे